हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका यू क्रिएट्स में। मैं हूं सुमित यार। आज की इस वीडियो में मेरे पास ये कुछ खराब एलईडी पड़ी है जी। हर एक के घर में एलईडीज खराब हो जाती हैं और हम लोग करते क्या है इसका, जनरली उसको उठा के फेंक देते हैं और नई एलईडी ले आते हैं और उसको लगा लेते हैं। तो 100-150 रुपए के आसपास की एलईडी आती है। बट भाई, अगर मैं एक चीज तो आपको बताऊं कि इस एलईडी में ज्यादा कुछ खराब होता ही नहीं है। एक या दो डायोड खराब हो जाते हैं और आप अगर उसको शॉर्ट कर देंगे तो इजिली ये चल जाएगी। तो वही कुछ करने वाले हैं। तो ये एलईडी है, पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। इसमें हल्का हल्का ताकत लगाना पड़ती है, थोड़ा ठोक वोक लीजिएगा पहले तो बड़े आराम से ये हो जाएगा। तो इसको खोलेंगे बिना देर किए, लेट्स क्रिएट। तो भैया, ये एलईडी जो अपनी है इसको हम लोग ये से खोल लेते हैं। तो ये भाई खोल ली मैंने एलईडी। अब आप लोग इस पर देख पा रहे होंगे, ये मेरा रखा हुआ है, ये देखिए इस तरीके कुछ कंपोनेंट लगे हुए। ये देखिए, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाली एलईडी पे ये ब्लैक ब्लैक हल्का से ऊपर आया हुआ है, यानी कि ये एलईडी हमारी खराब हो चुकी है। ये वाली बाकी सब काम कर रही है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले मैं सोल्डरिंग आयरन चाहिए होगी। फिलहाल मैं ये वाली एलईडी भी आपको दिखा देता हूँ। इस एलईडी को तो ये भी मैंने खोल ली है और इसी तरीके से देखते हुए आपको देखना है कौन सी काली है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये 9 नंबर वाली एलईडी, ये भी हल्की सी काली ज्यादा है। हल्की फुल्की हो तो चलो चल जाती है। आप लोग इसमें पावर देके भी देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लगभग 4 वोल्ट से ऊपर पावर ना दीजिएगा वरना ये फूक भी सकती है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, एक एक इंडिविजुअल बैटरी को जला के भी देख सकते हैं। तो ये भी कैसे करना है, ये मेरे पास एक पुराने मोबाइल की बैटरी पड़ी हुई थी तो मैं इसको चेक करा देता हूँ कि ये जलती है कि नहीं जलती है। ये देखिए, मैं एक आध एलईडी आपको जला के दिखा दूंगा इससे कि जल जाती। ये देखिए, ये जल रही है, ये देखिए एलईडी जल रही है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, किसी भी पावर की थोड़ी बहुत बैटरी पड़ी हो उससे बना सकते हैं ये। तो जब तक कि मेरी सोल्डरिंग आयरन गर्म हो गई है तो इसको जल्दी से सोल्डर कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग हल्का फुल्का ये वाली एलईडी को निकालने की कोशिश करेंगे इसको। तो ये हम लोग इसको निकाल रहे हैं, ये देखिए मैंने पूरी बाहर कर दी है, ये बाहर हो गई है। और हम लोग को करना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ सोल्डरिंग कर देनी है इसमें। ये हमने हल्का सा रंगा ले लिया है और अब ये गई इस पे, ये जाएगा रंगा सीधा इस पे। ये देखिएगा, ये हो गया। ये हमारा एलईडी बन गया है। इसको अभी चेक कर लेंगे, पहले हम लोग वाली एलईडी भी, दूसरी वाली जो हमारी खराब पड़ी है इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो इसको भी चेक करते हैं, फिर इसमें वाली एलईडी गड़बड़ है तो इसको सीधा इसके ऊपर आपको सोल्डरिंग आयरन रखना है। तो आपकी एलईडी बिल्कुल भूसा बन जाएगी, आराम से निकल जाएगी, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इसको आप लोग इस तरीके से धीरे धीरे निकाल लीजिएगा। ये देखिए निकलती जा रही है। ये काम बड़ा सावधानी से करिएगा क्योंकि सोल्डरिंग आयरन से जलने का भी खतरा उतना ही बना रहता है। तो इसको हल्का सा इस तरीके से रब कर दीजिएगा इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन को। फिर करना क्या है, आपको सोल्डर लेना है और सिंपली इसके ऊपर लगा देना है, बस इतना सा काम करना है। ये देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। ये देखिए, ये भी लग गया है। तो सोल्डरिंग हो चुकी है दोनों। अब सबसे पहले इसकी हम आपको चेकिंग करवा देते हैं। ये हमने वायर लिया हुआ है, इस वायर से हम चेक कराते हैं आपको। ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, आते हैं सबसे पहले इसको। बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ेगा क्योंकि ये जो हिस्सा है ये बहुत ही रिस्की है और इसको मैं अभी बहुत ही ज़्यादा सावधानी से काम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, एलईडी हमारी जो है जल गई है। अब दूसरी वाली एलईडी भी मैं आपको चेक करा देता हूं। ये देखिएगा, ये वाली एलईडी भी हमारी ग्लो कर गई है और जबकि ये पहले बिल्कुल ही खराब थी। तो इसका भी कैप लगा देता हूं सबसे पहले मैं इसका। ये देखिए, मैंने कैप लगा दिया इसका और इसको फिर से चला के दिखाता हूं। ये देखिए, एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। तो इस
तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने घर की एलईडी जो है उसको सही कर सकते हैं। पैसा नहीं वेस्ट करिए, क्योंकि 100-125 रुपए की आती है और जबकि एलईडी में कोई खास खराबी भी नहीं आती है, बट आप लोग इसको बदल देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो और आपको कुछ सीखने को मिला है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके के अमेजिंग एक्सपेरिमेंट, गैजेट, इस तरीके की चीज़ें मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अमेजिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी